तो गाइस वेलकम बैक टू आवर ऑल न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है हमने कराया एज यूजुअल लेट स्टार्ट, क्योंकि मैं जॉब से बिजी होता हूँ शाम में। तो हमने सोचा कि शाम का अपडेट आपको, मतलब ब्लॉग शाम में शूट करते हैं, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं। तो हमने ये वाला ब्लॉग जो स्टार्ट करें उसमें हम डालेंगे यहाँ सबसे पहले तो पौधों में पानी, ठीक है, एज यूजुअल हम दिखाते नहीं है, ठीक है, तो हम दे रहे हैं। और मैं कैमरा मैन, अपने सीनियर कैमरा मैन प्रियंका के साथ पौधों में पानी डालो अपने ओवर साइज आउटफिट के साथ, ठीक है। सारे पौधों को दे दिया पानी, अब हम जाएंगे नीचे वाले फ्लोर में पानी देने। उससे पहले एक अपडेशन दे दूं, अगर आपको याद है हमने 2 से 3 दिन पहले हमने ये प्लांट लगाना सिखाया था आपको, राइट,
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस तरफ ना इसके वापस से जो ग्रो कर रहा है ना वो वापस से ना इसकी जड़ें पकड़ रहा है अभी ये। जैसे ये जड़ पकड़ लेगा वैसे यहीं से ये रिप्रोड्यूस करना चालू हो जाएगा। तो यही मैं बता रहा था यार, ये ना काफ़ी सारे ना जैसे बाहर रोड पे हर जगह लगे होते हैं, अगर आप एक भी काट के ले आए तो कोई इशू नहीं, ये इससे एक से अनेक कर देता है। चलो अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के डालते हैं पौधों में पानी। Dead leaf from the plant. Actually, anyhow, I have to manage all alone because मेरी sister जो है वो गई है नीचे अभी कुछ काम से, तो अभी मुझे ही करना पड़ेगा और somehow मेरे को manage भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे stand कर देता हूँ ताकि यहाँ से आपको सब दिखता रहे। गाइस हमें प्रियंका ने भी ज्वाइन कर लिया, टडा। तो अब हमारी कैमरामैन है प्रियंका, तो ये लो प्रियंका इसको पकड़ो, कैमरा टर्न करने यार। ऊपर वाले तो ऊपर वालों में से ऑलमोस्ट सब जगह से मैंने निकाल लिए, जो वाइल्ड ग्रास होती है, वाइल्ड ग्रास को निकालना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना उसको भी रोकती है ये, क्योंकि ये इतनी जल्दी बढ़ जाती है, इसको जस्ट ये पानी और ये अपने आप ही वाइल्ड ग्रास अपने आप ही आ जाती है। और डेड लीफ तो ऑब्वियस ही बात है यार, कि फैली रही तो बेकार ही लगता है देखने में, क्योंकि ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं यहाँ पे। अब चलते हैं नीचे, नीचे की जितनी भी डेड लीफ्स और वाइल्ड ग्रास है वो निकालते हैं। एक चीज़ का ना ध्यान रखें, ये तो मैंने ना ऐसे ही जस्ट न्यूड हैंड से किया, तो ये मत कीजिएगा, ऑलवेज अप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ ग्लव्स, ताकि सम टाइम क्या होता है इसमें जैसे कोई रेत हो या कुछ कांच का टुकड़ा हो तो वो आपके हाथ पे ना लग जाए, राइट। इवन तो कोई इंसेक्ट बैठा हो अंदर, राइट, कोई चिपकली हो वो ना आपके हाथ पे लग जाए, तो मेक श्योर कि यू हैव टू इंश्योर द सेफ्टी फर्स्ट। तो ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया, लेकिन आप ध्यान रखना। मैं आ गया हूँ घर से बाहर, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा
हेल्दी फील नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी दवाई ले लूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को थोड़ा खांसी जुकाम ही लग रहा, तो मैंने सोचा यार एक वीक मैं जिम रहने भी देता हूँ कि क्या पता यार सिम्टम्स ना हो। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली देखता हूँ एक दो दिन बाद इसे चेक करवा लूँगा। अभी तो पहले दवाई लेके देखता हूँ, फिर टेस्ट करवाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो, ठीक है, पर पहले दवाई ले लेते हैं। चलो दुकान पहुँच के बताता हूँ। रास्ते में इतना लो फील कर रहा था, मैंने तो यार कोई ब्लॉग शूटिंग किया। तो अभी घर पहुँचा हूँ, देखता हूँ यार जान हुई तो शाम को ब्लॉग बनाता, नहीं तो हिम्मत हार गया। अब जाके मैं सोच रहा हूँ खाऊंगा और दवाई लूँगा और बस सो जाऊँगा। चलो कल मिलते हैं यार फिर। अब टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ सोलो वॉइस ब्लॉग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।